गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय क्लास। माय सेल्फ देशमुख मैडम, आई एम अ मैथ टीचर। यस्टरडे यू नो दैट हम लोगों ने क्या सीखा था, ब्रॉड एंड नैरो। टुडेज न्यू कंसेप्ट इज आइडेंटिफाई द शेप्स। हम लोगों को अभी क्या सीखना है इसमें, शेप्स, जो कि हमने इसके पहले भी शेप्स सीखे थे, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये सब शेप्स हम लोगों ने सीखे थे। ओके, देखो, आइडेंटिफाई द शेप्स। शेप्स में हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये शेप्स जो है वो कौन सा है। देखो, ये कौन सा है, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ओके, फिर से, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल। यहाँ पे क्या पूछा गया है, मैच द शेप्स टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोगों को ये जो शेप्स है उसको क्या करना है, मैच द पेयर लगानी है। ओके, सो लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पे स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ओके, सो मैच द पेयर में एक ग्रुप में हमको शेप्स दिए गए हैं और दूसरे इस ग्रुप में हमको उसके ऑब्जेक्ट दिए हैं, वो आइडेंटिफाई करके मैच द पेयर लगानी है। ओके, देखो, ये है सैंडविच। सैंडविच कौन से शेप्स का है, लुक एट दिस, देखो, ट्रायंगल। ओके, ये क्या है, ट्रायंगल, तो इसको मैच दी पिया। ये पॉकेट, रेक्टेंगल, वेरी गुड। ये स्क्वायर, वेरी गुड। और ये सर्कल। ओके, फिर से देखो, ये जो है, ये है सैंडविच जो कि ट्रायंगल शेप का है, तो हमको इसकी मैच दी पेयर इसको लगा देनी है। बाद में ये पॉकेट, पॉकेट राइट ट्रायंगल है, तो ये सेम शेप के हैं, तो इसको मैच दी पेयर लगाइए। ये स्क्वायर है जो कि इस स्क्वायर को हम जोड़ देंगे। और बाद में ये सर्कल, ये टायर जो है, ये इसको जोड़ देंगे। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, देखो, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दी गई है, कलर द, इसको क्या करना है, कलर, जो कि रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल। ओके, जैसे कि रेक्टेंगल को ग्रीन कलर देना है। लुक एट दिस पिक्चर। दिस पिक्चर में रेक्टेंगल जो जो दिखाई देते हैं, छोटे बड़े जो भी रेक्टेंगल दिखाई देते हैं, उसे कौन सा कलर देना है, ग्रीन कलर। सो ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, तो उसको कौन सा कलर लगाना है हम लोगों को, ग्रीन। ओके, सर्कल, ब्लू, जो भी सर्कल है उसे कौन सा कलर देना है, छोटे से लेके बड़े तक ग्रीन, ब्लू कलर देना है। ओके, स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि जो भी ये चौकोन दिखाई देते हैं, छोटे बड़े, उस चौकोन को आइडेंटिफाई करके उसको येल्लो कलर देना है। कौन सा कलर देना है, येल्लो। उसके बाद ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल है उसको कौन सा कलर देना है, रेड कलर। सो फिर से बोलती हूँ मैं, रेक्टेंगल ग्रीन कलर, सर्कल ब्लू कलर, स्क्वायर येल्लो कलर, ट्रायंगल रेड कलर। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। इस पिक्चर में, जो भी पिक्चर में हम लोगों को शेप्स दिखाई देते हैं, उसके कलर यहाँ दिए गए हैं। ये एक्टिविटीज आपको कंप्लीट करनी है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। ओके, देखो, अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व द पिक्चर दिए गए हैं, कुछ इस टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, आइडेंटिफाई द शेप्स। ओके, तो इस शेप्स में क्या करना है, ऑब्जर्व द शेप्स। यहाँ पे कुछ हमको ये ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जो कि डिफरेंट साइज में, डिफरेंट कलर में दिखाई देते हैं, उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, जो कि ये टायर है, ये कौन से शेप्स का है, सर्कल। अभी हम सिर्फ तीन ही बातें ध्यान में रखेंगे, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल।
स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल, ओके। फिर से बोलो, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल। यहाँ पे जो भी रेक्टेंगल भी होंगे उसको भी हम यही बोलेंगे। देखो अभी ये क्या है, सर्कल, सर्कल, ट्रायंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्क्वायर। अभी ये रेक्टेंगल है, फिर भी हमको यहाँ पे क्या दिया गया है, सिर्फ काउंट करना है, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। काउंट द ऑब्जेक्ट दिस शेप्स एंड राइट देयर नंबर्स। यहाँ पे कितने रेक्टेंगल्स है वो बताने हैं, स्क्वायर कितने हैं वो बताना है, ट्रायंगल कितने हैं वो बताने हैं, और सर्कल कितने हैं वो बताने हैं। ये आपको यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। ये हैंगर है जिसको हम कपड़े हैंगिंग करते हैं, उसको भी हमको काउंट करना है, ये कौन से शेप में है, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ऐसे करके पूरे ट्रायंगल को यहाँ पे काउंट करके हमको ट्रायंगल में लिखना है, ओके, जो कि हमने लिखा है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। स्क्वायर और सर्कल वो भी वैसे ही करना है। कंप्लीट योर होमवर्क एंड लर्न एंड राइट द स्क्वायर, सर्कल एंड रेक्टेंगल विथ स्पेलिंग, ओके। बाय, कमिंग टू नेक्स्ट वीडियो।